अखंड मंगलाकार हो गया चराचरम तत्पदर्शी श्री आज इंग्लैंड की उस धरती के ऊपर हम भगवान और भक्त की बात करने जा रहे हैं। पूरे विश्व के अंदर हम प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, उपासना करते हैं। क्यों करते हैं? कि मन में अशांति है और अशांति में जो कुछ ऐसी क्रिया आ जाए कि मन शांत हो जाए, मन एक अच्छा रहे, मनोकामना पूर्ण रहे। और इस रूप से इस इंग्लैंड में वैमली में साईं बाबा का एक मंदिर है और उनके कार्यकर्ता यहाँ रीना जी मेरे साथ मौजूद है। रीना जी आपका स्वागत है। थैंक यू रीना जी, ये मंदिर का नाम क्या रखा है? तो इट्स शिरडी साई बाबा टेम्पल एसोसिएशन ऑफ लंदन एंड इट्स शॉर्टन टू शीतल कहते हैं हमें। तो ये कब से आपने स्टार्ट किया? तो वैसे तो वी ओपन द टेम्पल 2010 में, जनवरी 2010 में। उससे पहले हम आते थे 2009 में, बाबा का स्वरूप था। थोड़े यू नो 6-7 लोग आके हम यहाँ पूजा पाठ करते थे एवरी थर्सडे को। फिर यहाँ के जो ओनर्स थे उन्होंने कहा, उनको परमिशन नहीं मिला, उसने कहा चलो बाबा का मंदिर कर देते। सो जनवरी 31st 2010 को हमने मंदिर खोल दिया। बाबा नहीं था ही नहीं, ये तो ऐसे ही हॉल था ब्रिटिश लीजन का और यहाँ बर्थडे पार्टीज ऐसा सब होता था। तो हम जो सत्संग हर गुरुवार को करते थे जी। फिर उनको परमिशन नहीं मिला, उनको चिल्ड्रंस होम करना था। तो उसने कहा चलो मेरा भी कुछ नहीं हो रहा है, आप अभी बाबा को यहीं रहना है, तो इसलिए हमने टेक ओवर कर दिया। मंदिर अगर नहीं हो तो भक्त कहाँ जाए? एग्जैक्टली हाँ। तो एक तो ये बहुत अच्छी बात की। तो यहाँ एक्टिविटीज क्या है? तो बाबा का जो हमारी 4 आरती होती है, सुबह को काकड़ आरती एंड देन 12 o'clock हम मध्यान्ह आरती करते हैं, 6 बजे हम धूप आरती करते हैं और 8:30 बजे शेज आरती। यानी कि आपने पूरा उस परंपरा, भगवान शिरडी साई बाबा जहाँ विराजमान उसी परंपरा को लेकर हाँ। जो शिरडी में होता है वही हम क्लोजली फॉलो करते हैं यहाँ। और हमारी आरती भी रिकॉर्डेड नहीं है, सब लाइव है। हमारे जो पंडित जी है और जो गाते हैं सब लाइव करते हैं यहाँ, सो दैट लोगों को ऐसा एक्सपीरियंस हो जैसे कि वो शिरडी में ही है। और ये पहला मंदिर है जो शिरडी साई बाबा का है इन द UK। यानी कि वही शिरडी की उस परंपरा को लेकर के आप इंग्लैंड में चला गए। हाँ बहुत अच्छी बात है। और एक बात ये बताओ कि आपके यहाँ कितने भक्त लोग आते जाते हैं? तो वैसे हमारे बाबा के भक्त तो बहुत हैं। दिन में ऑन अ थर्सडे जैसे कि हमारे 500 से 700 तक आते हैं और हमारे डेटाबेस में मोर देन 20,000 है। तो और हमारे ये है बाबा का मंदिर वैमली में, हमारा लेस्टर में भी है और रेडिंग में भी है। तो हमने ऐसे तो 20,000 में से लेकर के हम ये चैनल के माध्यम से 4 million हमारे संस्कार के फॉलोअर्स वहाँ तक पहुँचे। हाँ तो बहुत अच्छी बात है। और ये जो बातें हैं धर्म संस्कार संस्कृति और सभ्यता की जो बातें उसको लेकर के करते हैं। तो यहाँ जो आपके पंडित लोग हैं वो इंडिया से आए हैं कि यहाँ के ही? पंडित लोग यहाँ के ही है, यहाँ के ही रेजिडेंट है, लेकिन उनको ट्रेन किया। हाँ, जो उसी शिरडी की परंपरा से। हाँ, और गाइडेंस हमें सब शिरडी से ही मिलता है। जैसे कि कैसे करना है एक मंत्र आरती, क्या बाबा को करना है, एवरीथिंग इज शिरडी से ही हुआ है, लाइक गाइडेंस फ्रॉम शिरडी। अभी इट्स बीन 12 years, सो 12 साल में तो हम अभी भी सीख रहे हैं लेकिन बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं। 12 साल तो एक छोटा वक्त नहीं होता, फिर भी 12 साल के बावजूद भी आप जो नई नई प्रोग्रेस, नई प्रगति जो कर रहे हैं उसमें भक्तों का ही तो फायदा है। आज एक शिरडी साई बाबा ने एक संत के रूप में अवतार जब लेकर के शांति और प्रेम का जो संदेश दिया है समाज को, तो उसका मूल उद्देश्य क्या है? मूल उद्देश्य ही है कि हर घर में शांति रहे। एग्जैक्टली हाँ। और हर घर में पीस रहे, नहीं तो आप तो पीसिस बनने जा रहे हैं। आज देखो देशों में इतनी हलचल मची हुई है, पूरा विश्व कहीं ना कहीं। तो एक मन की आदमी मंदिर में कब आता है? जब मन शांति, मन को शांति आ करके बैठे तो कुछ पीसफुल प्राप्त हो मन के अंदर।
तो आपके कहाँ कहाँ और मंदिर हैं? लेस्टर में जैसे सेंट्रल लेस्टर में है जी, और हमारा जो रेडिंग का है वो भी सेंट्रल रेडिंग में ही है। तो आप तीन दिन मंदिर मैनेज करते हैं? मेरे साथ बहुत मैं खुद नहीं करती, बाबा करते हैं वैसे तो, और हमारे जो टीम है हमारे स्टाफ और मोस्ट इम्पोर्टेंटली हमारे डिवोटीज बहुत अच्छे हैं, दे हेल्प अस यू नो बहुत करते हैं। तो आजकल तो घर में तीन लोग होते हैं तो मैनेज नहीं हो पाता। हाँ वहाँ बच्चा कुछ और कहता है, बीवी कुछ और कहती है, पति कुछ और कहता है। नहीं वॉलंटियर्स बहुत है हमारे, हाँ, और हमारे स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं, और सच्ची में वी आर वेरी ब्लेस्ड कि सभी अच्छे, सभी को बाबा का करना है और खुद के हिसाब से ही करते हैं, हमें तो कुछ कहना नहीं पड़ता। मैनेजमेंट तो होता है लेकिन हमारे जो टीम है बहुत अच्छी है। देखो पक्षी जब आकाश की ओर बढ़ता है तो पक्षी अपने आप पे चलता है, मगर जो उसकी पंखे होती है उसके ऊपर विश्वास होता है कि मैं यहाँ से उड़ता हूँ। दैट्स राइट। तो संस्था में भी जब संस्था मंदिर जो भी कुछ भी होता है तो वॉलंटियर के ऊपर विश्वास होता है कि हमारे स्वयं से वास्तव में सेवा कर रहे हैं और सेवा के माध्यम से ही आगे बढ़ सकते हैं। तो ये सनातन धर्म को आगे बढ़ाने की जो क्रिया आप करते हैं, तो रीना जी आपको तो बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हो और अच्छा कार्य कर रहे हो। दूसरी बात ये है कि यहाँ जो है भक्त लोग आते हैं, कोई दान देता है, कोई प्रसाद देता है, तो यहाँ से कुछ भक्तों को भी प्रसाद दिया जाता है क्या? हाँ एवरी डे हम खाना बनाते हैं, जैसे कि कंटेनर, पहले हम यहाँ सर्व करते थे जी। फिर कोविड की वजह से हमने बंद किया जी। तो हम कंटेनर्स देते, वो तो पहले से ही हम देते कंटेनर्स, दाल चावल ऐसा कुछ भी हम सबको देते हैं। दिन में 500 ऑन अ थर्सडे तो ज़्यादा है कंटेनर्स, लेकिन हम देते हैं सबको। यहाँ से कोई भी ऐसे कंटेनर प्रसाद के बिना नहीं जाता। और हम फूड बैंक्स को भी सपोर्ट करते हैं। अभी कोविड की वजह से थोड़ा हम डिलीवर नहीं कर पाते, लेकिन यहाँ के जो लोग नॉट जस्ट हिंदूज जे हमारे सब मानव धर्म, हाँ सब, हाँ सबको हम, हाँ उनको भी हम देते हैं, हाँ, और रॉ मटेरियल्स भी देते हैं, जैसे कि दाल चावल जो हमें डोनेट किया हम उनको देते, तो वो खुद बना के सबको दे सकते हैं। तो ब्रेंट में हमने ज़्यादा किया है अभी, और लेस्टर में तो लेस्टर में करते हैं और रेडिंग में भी हम करते हैं। बहुत सुंदर, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये सेवा आपकी और आगे बढ़े। थैंक यू। और आपके सहयोगी और बड़े, और जिसके माध्यम से विश्व के अंदर जो साईं बाबा का जो संदेश है प्रेम और शांति का और आगे बढ़े। थैंक यू। कई बार लोग जाते हैं तो मंदिरों में कैसे कपड़े पहनना वो भी लोगों को पता नहीं है, मगर इंग्लैंड के जितने मंदिर में मैं गया तो यहाँ लोग शांति से, प्रेम से, भावना से भक्ति करते हैं, क्योंकि मन को शांति प्राप्त करने के लिए तो करते ही है, मगर अपनी आत्मा को भी शुद्ध करने के लिए करते हैं। यहाँ रीना जी बहुत सुंदर बात की, ये जो लंदन का जो स्थान है ये पूरा विश्व का केंद्र बिंदु है। नलिन भाई आपका स्वागत करता हूँ। नमस्कार, ओम साई राम। आज हम साई बाबा के मंदिर में बैठे हैं, तो आपका आना जाना कितने साल से? मैं इस टेंपल से 2010 से ही अटैच्ड हूँ, जब से मंदिर की शुरुआत हुई जी। और डेफिनेटली पूरी मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ में काफ़ी डीपली इन्वॉल्व हूँ। सो ये मेरा सौभाग्य है कि विदेश में रहकर भी यू नो बाबा की सेवा का एक अवसर प्राप्त हुआ, तो इसके लिए मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ। तो आपने ये सोचा कि यहाँ शिरडी साईं बाबा का मंदिर का स्थापना करे या तो कुछ एक्टिविटी करे, ये आपके मन में विचार कैसे आया? बाबा के डिवोटीज तो सारे विश्व में हैं जैसा आप जानते हैं, यहाँ पर भी काफ़ी डिवोटीज है ऐसा एजम्पशन डेफिनेटली था। और शिरडी साईं बाबा का डेडिकेटेड मंदिर एक भी नहीं था उस टाइम में 2010 में। सो यही एक विश्वास था कि डिवोटीज के लिए एक ऐसा मंदिर बनाया जाए जहाँ बाबा खुद यू नो लंदन में ही स्थापित हो और सबको मौका मिले कि शिरडी का ही अनुभव हम यहाँ हमारी कोशिश के द्वारा करा सकें, तो वही प्रयत्न में काम चालू है। तो ये करने के बाद भक्तों के माध्यम से आपको क्या मिलता है? भक्तों के माध्यम से काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। काफ़ी भक्त हमारे ऐसे हैं जो हमें खुद कहते हैं कि हमारा तो शिरडी यही है, करेक्ट, ऐसा नहीं है कि हमें शिरडी जाके ही बाबा के दर्शन करना है। भक्तों के अनुभव भी ऐसे हुए हैं जहाँ खुद वो प्रेरित होकर आते हैं, और ऐसा नहीं कि केवल हमारे हिंदू भक्त, बाकी पूरी कम्युनिटी के, लंदन इज़ अ मेट्रोपॉलिटन प्लेस एज यू नो,
सो काफ़ी कम्युनिटीज़ के, हर एक कम्युनिटी का व्यक्ति यहाँ आते हैं, बाबा के साथ अपना ध्यान रखते हैं, काफ़ी अनुभव होते हैं। और हमारी सेवा भी ऐसी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिटी और डिवोटीज़ को सपोर्ट कर सकें, फैसिलिटेट कर सकें, ताकि उनका जो ऑब्जेक्टिव है बाबा से कॉन्सेंट्रेट करने का। तो आगे का प्लान क्या है, इस मंदिर को बड़ा बनाना प्लान है आपका कि क्या है? हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है कि बाबा का जो मैसेज है, संदेश, वो पूरे यूरोप में फैलाया जाए। तो उसी माध्यम से हमने पहले 2010 में वेम्बली मंदिर की स्थापना की, आगे बढ़कर 3 साल बाद लेस्टर मंदिर की स्थापना हुई, उसके बाद रेडिंग की स्थापना हुई अगले 2 साल बाद। इसके अलावा हम काफ़ी सेंटर्स भी डेडिकेटेड लोकेशंस में चलाते हैं, जो डिवोटीज काफ़ी दूर हैं मंदिर से, जो यहाँ वेम्बली तक नहीं आ सकते हैं, तो इसके लिए हम हर थर्सडे को 4 सेंटर्स और रन कर रहे हैं। एक स्लाव में है, एक हाउंसलो में है, ईस्ट लंदन में है, मिल्टन कीन्स में है। सो धीरे धीरे ये स्प्रेड हो रहा है। और आगे प्लान ये है कि हाँ, अगर बाबा का आशीर्वाद रहा तो डेफिनेटली ऊपर नॉर्थ में भी कुछ मंदिर भविष्य में बनेगा। तो भगवान की भक्ति के लिए कई अपने आप में परंपरा है। हाँ जी, जैसे कि मंत्र जाप करना, भजन करना, कीर्तन करना, यज्ञ करना, अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, अलग अलग परंपराओं की अलग अलग व्यवस्था है। उस व्यवस्था में भजन कीर्तन प्रार्थना का जो संयोग है, उसमें हम क्या करते हैं? भजन प्रार्थना कीर्तन, हम बाबा की जो शिरडी में जो भी प्रोटोकॉल्स हैं वो यहाँ 100% फॉलो करते हैं। बाबा की पूजा में मेन सिग्निफिकेंट जो महत्व है वो 4 आरतियों का है। सुबह काकड़ आरती, दोपहर को मध्यान्ह आरती, शाम को धूप आरती और लास्ट में शेज आरती। तो सुबह जो शिरडी में, तो सुबह अर्ली मॉर्निंग आरती होती है। हाँ जी, तो यहाँ भी उसी टाइम से? यहाँ उसी टाइम पर नहीं होती है, बट यहाँ 8 बजे मंदिर खुलता है और 8 बजे काकड़ आरती होती है। तो आपने भक्तों का भी उस ध्यान रखा कि भाई हाँ, सुबह 4 बजे तो घर पे बैठे होंगे डेफिनेटली, या तो लेट शिफ्ट करके रात को सोए होंगे डेफिनेटली, तो उस चीज को लेकर के आपने ये भी सोचा कि चलो 8 बजे आते हैं। हाँ, तो 8 बजे से हाँ, हाँ, बहुत सुंदर बात है। और पूरा दिन को पूरी इस भक्ति से आप ले जा करके संध्या में क्या करते? संध्या में बाबा की धूप आरती होती है। हाँ, उसके बाद हर थर्सडेज को यहाँ पे बाबा का पालकी प्रोसेशन होता है, तो हम मंदिर में पालकी जिस तरह से शिरडी में होती है उसी तरह से पालकी के साथ भजन मंडली चलती है, बाबा के गुणगान गाते हैं, भजन होते हैं। और उसके बाद हम सब डिवोटीज को एज यूजुअल जो 7ों दिन करते हैं, प्रसाद सर्व करते हैं। और इसके अलावा हमारे 4 पूरे साल में मेन डेडिकेटेड उत्सव हैं, गुरु पूर्णिमा है, दशहरा है, बाबा की पुण्यतिथि है, रामनवमी है। तो इन 4ों फेस्टिवल को हम आइकॉनिक बना के उस दिन पूरे यू नो कम्युनिटी को इनवाइट करते हैं। सुबह से शाम अलग अलग प्रोग्राम होते हैं, उसमें विशेष करके बाबा के भजन 3 से 4 घंटे प्रोफेशनल सिंगर्स करते हैं। हम पार्क में बाहर भी गुरु पूर्णिमा के दिन काफ़ी सालों से काफ़ी बड़ा फंक्शन करते हैं, तो उसमें करीब लंदन में 1200 से 1500 लोग आते हैं, लेस्टर में 4 से 5 हज़ार लोग आते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा डिवोटीज़ को जितना भी मौका मिल सके उतना हम देने की कोशिश करते हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, क्योंकि आपके जीवन में जो भी कार्य कर रहे हो उसका कुछ अंश निकाल करके आप समाज की जो सेवा कर रहे हैं, हाँ जी, वो सबसे बड़ा बोनस है हमारे। बिल्कुल, क्योंकि पैसा कमाना, धंधा करना, ये तो एक फर्ज है हमारा। हाँ। चलो कि वी कैन बी प्रोग्रेस, हम अपना प्रोग्रेस करें, या। मगर उसके साथ अपने धर्मों को नहीं छोड़ना चाहिए। सही, देखो हम कहीं भी है, हम कितने भी बड़े होते हैं, मगर हम हमारे माँ बाप की उस संस्कृति को नहीं भूलते। नहीं। और वैसे ही जब भारत से एक विदेश में बैठ करके हम जब अपनी संस्कृति को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तब जो सहयोगी होते हैं, जो साथी होते हैं, जो फाउंडर होते हैं, जो ट्रस्टी होते हैं, उनका बड़ा अपने आप में सही भाग होता है, सहयोग होता है। और मैं प्रभु से ही प्रार्थना करता हूँ और यही करूँगा कि जीवन जो मिला है वो पशु रूपी नहीं बने। बिल्कुल, मानव मानव बने। yeah. मानव में भी अगर अच्छा कार्य नहीं करोगे तो हर जीवन में मानवी मानवी नई नई माँ मिलेगी आपको। मगर यही जीवन में एक ही माँ से मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, और इसको करने के लिए जीवन में कोई योग्य गुरु मिले, बिल्कुल, कोई आध्यात्मिक स्थल मिले, या तो आध्यात्मिकता को आगे बढ़ाने का कोई कर्म मिले, ऐसे ही प्रभु से प्रार्थना करता हूँ और हमारा जो सनातनी धर्म का जो कार्य है वो आगे बढ़े। इसमें मैं एक बात और आगे कहना चाहूंगा, जैसे आपने बात की, हम
केवल हमारी जनरेशन नहीं, बट हमारा एक ऑब्जेक्टिव यह भी है कि हम हमारी जो नई जनरेशन है उनको भी यहाँ एंगेज करें, नॉट बाय वे ऑफ जस्ट फोर्सफुली ब्रिंगिंग देम, बट उनको हम सोशल सर्विसेज में इन्वॉल्व करते हैं, उनके लिए कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं ताकि वो भी यू नो हमारा जो हिंदुइज्म का एक कल्चर है वो आगे चलता रहे। यहाँ रीना जी एवं नली जी ने बहुत सुंदर बात की, पशु का बने या बने नर का बने न कसु, नर जो करनी ऐसी करे तो नर का बने नारायण। मानव तो हर होता है मगर वो मानव जो है नर है वो नारायण बनने के लिए कोई संत का सहारा ले, कोई गुरु का सहारा ले, आध्यात्मिक चर्चा का सहारा ले तो नर का नारायण बन सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सद्गुरु साईनाधिपताभ्यो नमः। अस्मिन् लोकक्षेमार्थं श्री महासाईनाथ स्वामिने नमः। तव चरणारविन्दयोः वयं मनसा भक्त्या वेदोक्तमन्त्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामः।